19 साल पहले अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली करीना कपूर खान ने पहली बार फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए ऑडिशन दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि पहली बार किसी फिल्म के लिए ऑडिशन का सामना करना पड़ा। करीना के अनुसार आमिर इसको लेकर 100% श्योर होना चाहते थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले डेब्यू फिल्म रेफ्यूजी के लिए भी ऑडिशन नहीं दिया था। फिलहाल करीना अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के काम में व्यस्त हैं। इस फिल्म में आमिर खान मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म साल 1994 में आई अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक है। इससे पहले दोनों की जोड़ी तलाश और थ्री इडियट्स में नजर आ चुकी है। 19 साल पहले पहली बार बड़े पर्दे पर जूनियर बच्चन यानी अभिषेक के साथ रेफ्यूजी में नजर आने वाली करीना कपूर करियर में कई बड़े अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। यहां तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिल चुका है। लेकिन खास बात है कि उन्हें अब तक कभी भी ऑडिशन का सामना नहीं करना पड़ा। अपने इस अनुभव के बारे में करीना बताती हैं कि मेरे हिसाब से समय बदल रहा है और मैंने अगर खुद को विकसित नहीं किया और दीवा की तरह बर्ताव करती रही तो यहाँ तक कि सैफ ने भी मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, अल पचीनो को भी टेस्ट देना पड़ा था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमको कलाकार के तौर पर श्योर होना पड़ेगा। 39 वर्षीय करीना कपूर करियर में थ्री इडियट्स, जब रीमेक, बॉडीगार्ड, सिंघम रिटर्न्स, गोलमाल थ्री जैसी कई बड़ी हिट फिल्में दे चुकी हैं।